हे गाइस, तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग का शुरुआत हो रही है, देख सकते हो। मैं इधर में बना रहा हूँ फ्राइड राइस, और जो कि मेरा बन करके रेडी है। और थोड़ा सा जो भात थोड़ा सा गीला हो गया है, तो मैंने उतारना जो है मैंने भूल गया, और काफ़ी सारा काम कर रहा था। और देख सकते हो फ्राइड राइस का साथ मुझे पता है सब्ज़ी भी अच्छा चाहिए, तो मैंने इधर में बनाई है पनीर का सब्ज़ी। तो गाइस देख सकते हो, ये रहा जो है पनीर का सब्ज़ी। पनीर का सब्जी का साथ जो है गाइस, पनीर का सब्जी का साथ जो है गाइस देख सकते हो, हाँ फ्राइड राइस जो कि खाने में जो मज़ा आ जाएगा। और फ्राइड राइस बनाने के बाद जो इतना सारा अंतर देख सकते हो, गंदा हो गया, तो इसको हम लोग पानी में डुबाएंगे, और उसका बाद जाकर जो है सूखा सकते हो। मैंने जो सारा बर्तन जो इधर में देख सकते हो धो दिया हूँ, और इधर में देख सकते हो हमारा फ्राई राइस जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है देखने में। हाँ, अभी मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, दरअसल मैं नहाने वाला हूँ, और नहाने का आगे देख सकते हो काफ़ी सारा कपड़ा इधर में, और भी कपड़ा है घर में, तो सारा कपड़ा को जो है अभी हम लोग धो देने वाले हैं सारा कपड़ा को। तो चलो फटाफट जाकर दे कपड़ा धोते, उसके बाद नहाएंगे और आप लोगों को खा के बताएंगे कैसा हुआ है। हाँ, अभी नहा आके बिल्कुल रेडी हो गए, और अभी चलो खाते हैं भात और फ्राइड राइस और जो है पनीर का सब्जी, देखते कैसा होने वाला है। इसको जो निकाल लेते हैं। और हाँ, हम लोगों ने देख सकते हो फ्राइड राइस निकाल लिया हूँ, और अभी निकालने वाला हूँ पनीर का सब्जी। तो इससे निकलेगा, हमको लग नहीं रहा इससे निकलेगा। बड़ा वाला चम्मच लो। उसको उठा। तो चलो पनीर का सब्जी भी निकाल लेता हूँ, और बाटी में नहीं निकालने वाला हूँ। दरअसल बाटी में निकालने से गंदा हो जाएगा बाटी, फिर धोना पड़ता है, बहुत मतलब झमेला हो जाता है, उसे थोड़ा लेना पड़ेगा हमको। और ये लो फ्राइड राइस और पनीर का सब्जी, खा के देखो कैसा हुआ है। और ये रहा मेरा वाला, तो चलो इसको हम खाते हैं। और भाई खुशबू तो बहुत मज़ेदार लग रहा है, खा के देखते हैं कैसा होने वाला है। कैसा हुआ है? बढ़िया। कैसा मिलवा? अच्छा। और रहा पानी, अब देख सकते हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैंने जला दिया इसको भूजने में, थोड़ा सा गलती हो गया, लेकिन बाकी सब ठीक है देख सकते हो। और हाँ, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होने का लिए हम लोग देख सकते फिर से ले चुके हैं और एक बार करके, क्योंकि पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, मन भरने का ले रहे हैं। तो चलो इसको ये फटाफट खाओ, खत्म करते हैं। और हम लोग खाना वाना खा लिए हैं, और अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है उठ के फिर से खाना बनाऊंगा रात का, फिर खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा, ऐसे ही जिंदगी कटते रहेगा। क्या सही? तो अभी ना देर से उठ गए हैं, और अभी नहीं उठे, दरअसल बहुत देर आगे उठे हैं, और अभी हम लोग का बनने वाला है देख सकते हो आलू बीन्स और गोभी का भी भुजिया बनने वाला है। तो थोड़ा, और हाँ अभी हम लोग बनाने वाले बीन्स आलू और फूल गोभी का जो भुजिया बनाने वाले, इसमें देख सकते हो। और प्याज हमने काट कर रख दिया है, तो इसको बनाऊंगा, और बनाऊंगा मैंने रोटी। और हमने इसमें डाल दी है मिर्चाई डाल दी है, और इसमें अभी मैं हमने थोड़ा सा तेल दे दूंगा, और देख सकते हो इसमें हमने दे दिया तेल, और इसमें जो कटा हुआ प्याज भी डाल देता हूँ, और इसको अच्छे तरह से लाल करके भून लेता हूँ, उसके बाद डालूँगा सब्जी। चलो इसको भून लेता हूँ अच्छे तरीके से। और हाँ, ये देख सकते हो ये जो पूरा तरीके से लाल हो गया है। तो चलो इसमें हम लोग पहले डालने वाले हैं, देख सकते हो गोभी डालने वाले हैं, पहले गोभी डाल के थोड़ा भून लेता हूँ।
और हाँ देख सकते हो अब ये सब्जी बनकर जो मेरा रेडी हो चुका है, गोभी आलू का भुजिया और अभी बनाने को मैं रोटी, तो चलो उसको जो उतार दूंगा अभी। और सर अभी देख सकते हो सब्जी बन चुका है और अभी हम लोग बनाने वाले हैं रोटी, तो चलो रोटी बनाते हैं। দিল্লি চলে গেছে, এগারোটার সময় গুলো ট্রেন আসবে, এখানে আসবে দিল্লি নিয়ে যাবে, পাগল আইলো হাম বলে মুম্বাই চলা যায় না, চলা গিয়ে দিল্লি কেন নিব পাগল, দিল্লি দেখ সকতো ইধার মধ্যে রোটি বন রা হ্যা ক্যা ও গাইস বহুত জ্যাদা গরম হ্যা গাইস, তো ইসকো যে দেখ সকতো এসে হাওয়া নিকাল দেনা চাহিয়ে আর উসকা বাদ জো ইয়াহ রাখনা চাহিয়ে, আর আপ লোগা কা বানানা নি আতা হ্যা तो मुझको बोल देना, मैं सिखा दूंगा आप लोग को। ये वाला जो लास्ट रोटी था और मैंने जो पूरा गंगा खाली कर दिया, लास्ट रोटी चलो लास्ट रोटी भी देख सकते हो बनकर जो रेडी है, चलो इसे सब कुछ खा लेते हैं, जैसे कर देते हो खाना खाना बाकी है, रुक जाओ थोड़ा सा। तो चलो देख सकते हो आलू का भुजिया के साथ रोटी, चलो खाते हैं और आप लोग ये बताते हैं कैसा हुआ है आलू का भुजिया के साथ रोटी। और देख सकते हो इधर मैं ये रोटी मैंने जो बनाए थे और आलू गोभी का सब्जी और पनीर का सब्जी है जो कि हम लोग जो इसे खाने वाले हैं अभी और आप लोग को बताने वाले हैं कैसा होने वाला है। तो चलो रोटी से जो पनीर का सब्जी को खाते हैं और आप लोग को बताते हैं कैसा होने वाला है। और हाँ पनीर का सब्जी हुआ, क्या ही टेस्ट है भाई, टेस्ट सुबह से ज़्यादा बढ़ गया है अभी पनीर का सब्जी। और आलू गोभी का सब्जी जो है खा के देखते हो, आलू गोभी बीन्स दरअसल खा के देखते इसको बताते कैसा होने वाला है। ओ क्या ही लाजवाब, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है खाने में। और हाँ सूरज तुझे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है। थोड़ा जोर से बोल ससुर लोग को कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। और हाँ हमको भी मज़ा आ गया खा करके। और बाकी जो देख सकते हो छोटू भी इधर में खा रहा है। हाँ छोटू तुमको कैसा लग रहा है सब्जी? तो कैसा लगता है हमको? परफेक्ट है।